Now we know that all of the energy which is coming to the engine, or we can say that all of the energy which is coming to the engine, all of energy which is coming to the engine, that is being given by the fuel. So jitna bhi fuel hum usme dalte hain, that is the energy which will be coming to the engine. अब जब ये एनर्जी इंजन के अंदर आ जाती है तो वहां पर आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी दो पार्ट में या दो जगह पे यूटिलाइज, ठीक है. यूटिलाइजेशन का मतलब सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडिकेटेड पावर. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडिकेटेड पावर एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट विल गो टू द एसडीओ. And some part will go to the heat transfer or engine cooling. Heat transfer / engine cooling. So all of the energy which is being contained by the fuel and which the fuel is being supplied to the engine, what we will do, either we will convert this energy into indicated power, or this will be going to the piston, and some part of the energy that will be going to the exhaust and the heat transfer. So now if we go for the real analysis, then we see that more than 60% of the energy which we are supplying to internal combustion engine, that goes either to the exhaust or that goes to the engine. कि हम अगर इंटरनल कम्बस्टन इंजन में 100 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 60 जूल या उसके आसपास ये जो एनर्जी है दैट विल बी वेस्टेड एट इंजन कूलिंग और एट द एग्जॉस्ट. सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू मिनिमाइज दिस पार्ट. कि हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये पार्ट छोटा हो जाए, दैट विल बी बेटर. तो अब इंजन कूलिंग को आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हम सेपरेटली इंजन कूलिंग में स्टडी करेंगे कि आप इंजन को ठंडा कैसे कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स कि अगर मान लीजिए आपने इंजन कूलिंग को कम करना है तो आप ये चाहेंगे कि जो टेम्परेचर है वाल्व का वो कम से कम रहे, वाल्व से जो ही ट्रांसफर हो कम से कम. सेकेंड पार्ट, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू मिनिमाइज द हीट टेकन अवे बाय द एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट कैसी जो हीट लेके जा रहे हैं आप ही चाहते हैं कि ये भी कम से कम हो जाए. जब ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी देन दिस पार्ट विल बी इंक्रीज. सो नाउ हियर इज वन क्वेश्चन, इफ आई एम हैविंग टू स्ट्रोक इंजन एंड आई एम हैविंग फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. टू स्ट्रोक इंजन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 2S, 2S मींस टू स्ट्रोक. हालांकि इसके अंदर स्ट्रोक वही चार रहेंगे कि उसके अंदर जो है स्ट्रोक चार में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट. स्ट्रोक चार ही रहेंगे बट दीज स्ट्रोक विल बी कंप्लीटेड बाय वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ दी इंजन. पिस्टन जो है एक बार ओपन किया जाएगा और ये चारों के चारों स्ट्रोक पूरे हो जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज टू स्ट्रोक इंजन. और फोर स्ट्रोक में क्या होगा, दिस पार्ट विल बी कंप्लीटेड इनटू फोर. नाउ माय क्वेश्चन इज, if you are having two stroke engine on one hand and you are having four stroke engine on the other hand, what do you suppose or what do you think, which will be having lesser losses in terms of exhaust loss and engine loss? What do you think? थ्री जीरो वन एट अनामिका, थ्री जीरो टू थ्री अंशु वर्मा. यस सर. हाँ अनामिका आप बताइए, अंशु आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है. If you are going for the two stroke engine, connection lost हो गए थे सर. क्या हो गया था सर? मैंने अभी rejoin किया है सर. connection lost हो गए थे, मैंने अभी rejoin किया है.
अच्छा क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो इंजन है उसमें कुछ लोसिस हैं, और उसमें जो लोस है वो एग्जॉस्ट गैस का लोसिस है, कि जो एनर्जी है दैट विल बी गोइंग विद द एग्जॉस्ट गैसेज, कि जो एग्जॉस्ट गैसेज बाहर जाएंगी तो एनर्जी उनके साथ बाहर चली जाएगी। और दूसरा हमारे पास जो है इंजन कूलिंग का लोस है, कि इंजन को जब कूल कर रहे हैं तो उसमें कूलिंग की वजह से सम पार्ट ऑफ द हीट विल बी गोइंग टू बी सराउंडिंग। सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू एनालाइज दैट फॉर विच टाइप ऑफ इंजन आई एम हैविंग, टू स्ट्रोक इंजन, आई एम हैविंग फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक मीन्स स्ट्रोक विल रिमेन फोर, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। एंड द फोर स्ट्रोक ऑल्सो द स्ट्रोक विल रिमेन फोर, बट दे विल बी कम्प्लीटेड बाई द फोर टाइम्स। वन इंजन विल गो फ्रॉम TDC टू BDC, then BDC to TDC, then TDC to BDC, then so it will go four times. In this it will go only two times. So what do you suppose, which type of engine will be having more losses? Sir, shayad four stroke engine will be having more losses. Exhaust loss, yes, engine cooling loss will be more in the four stroke engine. Four stroke. Can you explain the reason behind this, why four stroke engine will be having more loss? सर मोशन से लॉसेस होते हैं, एंड फोर स्ट्रोक इंजन में हम स्ट्रोक ज्यादा लेंगे, तो कहीं ना कहीं टू स्ट्रोक के कंपैरिजन में फर्स्ट रीजन है। यस सर, यस यहाँ पे किसी ने रेज हैंड किया है, सोनू सीआर। सोनू बताइए, आप बताइए। हेलो, आपको पहले स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन है ना विजिबल? यस यस सर, आज विजिबल। हाँ मैंने इसको रीस्टोर किया तो ठीक हो गया था। अब बताइए। जी चलिए सर, ये ना मेरे हिसाब से टू स्ट्रोक इंजन में ज्यादा लॉसेज होंगे। कारण? क्योंकि सर टू फोर स्ट्रोक इंजन में ना, टू स्ट्रोक इंजन में जो अपना अनबरंट गैसेज है इन कंपैरिजन टू फोर स्ट्रोक इंजन, वो ज्यादा रह जाएंगी, क्योंकि उसमें टू स्ट्रोक में ही ये फोर स्ट्रोक पूरे हो जा रहे हैं। ठीक है, उसमें जैसे एग्जॉस्ट में फ्यूल भी ज्यादा आएगा, क्योंकि सर हम यस हाँ बोलते रहो, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताइए और बताइए कोई पॉइंट। और सर इसकी जैसे लॉसेज इसमें अगर टू स्ट्रोक में ज्यादा होंगे तो इसमें इसकी इंजन परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी सर, तो इसीलिए हम टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक की तरफ गए हैं। वो एक डिफरेंट पॉइंट है। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लोसिज है एग्जॉस्ट का, मतलब कि एग्जॉस्ट गैस जा रही है, उनमें जो हीट जा रहा है एग्जॉस्ट गैस हीट लो, और हीट ट्रांसफर का लो ज्यादा किसी, और क्यों? एक तो कारण यही होगा सर जो मैंने बताया। ठीक है, अभी आप में से कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? हेलो, हाँ बताइए। सर उसमें सर टू स्ट्रोक इंजन में सर जो साइज होता है वो सर इंजन का बड़ा होता है फोर स्ट्रोक के कंपैरिजन में, तो सर उसमें सर रेडिएशन लॉसेस भी होते हैं सर टू स्ट्रोक इंजन में, जो सर थर्मल एफिशिएंसी, इसीलिए सर उसकी एफिशिएंसी और कम होती है सर, रेडिएशन लॉसेस। ये मैं रेडिएशन लॉस समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहाँ से कहाँ रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि रेडिएशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अच्छा वन मिनट, मैं एक बार छोटा सा बात करना चाहूंगा कि हालांकि हमने टू स्ट्रोक नहीं पढ़ाया अभी सभी के लिए ये, पर आप लोग को लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने नहीं पढ़ाया अभी। टू स्ट्रोक का आप मतलब जस्ट मीनिंग समझ लीजिए कि जो काम हमने चार स्ट्रोक में किया उसमें दो स्ट्रोक में कर दिया है बस। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है और उसी के बेस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
तो यू कैन जनरेट योर ओन आइडिया, क्या अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कि कोई सही गलत चीज़ है, देन वी विल सी व्हाट इज व्हाट मे बी नेचुरल प्रैक्टिस। हाँ अभिषेक, अभी आपका कहना ये है अभिषेक का कि यहाँ पे जो इंजन साइज है, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंजन साइज, हालांकि अगर इंजन का साइज बड़ा होगा, द इंजन साइज इज बी, सो इट विल बी हैविंग मोर लॉसेस, क्योंकि उसके आप ये देख सकते हैं कि ट्रांसफर में अगर हमारे पास है कोई सरफेस छोटा है और अगर मान लीजिए कोई सरफेस बड़ा है, तो और अगर मान लीजिए हम वहाँ पे सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट को बाहर निकाल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा सरफेस कवर्ड होगा उतना ज़्यादा हीट को बाहर निकाला जाएगा, सो लॉसेस विल बी मोर। तो इंजन साइज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और बल्कि साइज ज़्यादा होगा तो एक लॉस और क्या होगा, इंजन साइज इज मोर तो वेट ऑफ द इंजन विल आल्सो बी मोर, वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा इंजन होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए आपने फैक्टर देखा है कि पहले हमारे पास जो इंजन होते थे वो फोर सिलेंडर इंजन होते थे, अर्लियर वी वर हैविंग फोर सिलेंडर इंजन नॉर्मली जो कार में यूज होते थे, अभी जो कार में यूज हो रहे हैं वो थ्री सिलेंडर इंजन है, तो चार से तीन पे क्यों आए, क्योंकि वी वांट टू रिड्यूस द वेट, हम वेट को कम करना चाहते हैं, तो वेट टू पावर रेशो, वेट टू पावर रेशो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वेट और पावर की रेशो क्या है, सो इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। तो इंजन का साइज मैटर करेगा, और अभी रेडिएशन लॉस के बारे में बताएं, तो रेडिएशन लॉस सही क्या होते हैं थोड़ा सा, आई एम नॉट एबल टू गेट इट हियर, सर सर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस भी तो ज्यादा होगा, मतलब सर सराउंडिंग से टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब सर टेम्परेचर हमारा डिफरेंस ज्यादा होता है तब वहीं पे रेडिएशन लॉसेस टेक मतलब होते हैं सर, इसीलिए सर इसमें रेडिएशन लॉसेस कहा है सर मैंने, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा मतलब आर यू कंपेयरिंग टू स्ट्रोक इंजन, हाँ सर मतलब टू स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा हूँ सर, देखो सर एक तो सरफेस एरिया भी ज्यादा है उसमें भी होगा सर रेडिएशन लॉस, तो लेकिन सर इसमें ज्यादा रेडिएशन लॉस होगा क्योंकि सर सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो सर टेम्परेचर डिफरेंस अगर मान लो सर फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन दोनों में बराबर है अंदर का और बाहर का बराबर है, लेकिन एरिया तो इसका ज्यादा है ना सर, तो इसीलिए सर ज्यादा होगा सर इसमें रेडिएशन लॉस, मैं इसलिए उसमें कह रहा हूँ सर पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम अभी अभिषेक का पर्सपेक्टिव डिस्कस करें या उसको लेकर चलते हैं, सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच कम्स आउट इज दैट यू शुड हैव लो टेम्परेचर इन साइड द इंजन, एम आई राइट और रॉन्ग, कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लो टेम्परेचर मेंटेन करना, am I right or wrong? If we have to reduce the losses? No sir. Sir temperature तो नहीं कम कर सकते sir. Temperature तो फिर तो sir हमारा वो जो cycle complete करने के लिए जो energy चाहिए वो कहाँ से मिलेगी sir फिर? Basically तो sir ये तो नहीं कर सकते. अब आप यहाँ पे उलझ गए हैं Carnot cycle में, है ना, कि भी Carnot cycle भी आ गई बीच में, अब कि Carnot ने तो ये कह दिया था कि T1 और T2 के बीच में रहना पड़ेगा, ये temperature का difference change हो गया तो वर्क आउटपुट एफिशिएंसी बदल जाएगी। अच्छा, इज देयर एनी अदर सॉल्यूशन? यस, एनी इनोवेटिव आइडिया? प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर अगर इंजन के अंदर हम कम कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि एफिशिएंसी या वर्क आउटपुट चेंज हो जाता है, तो हाउ वी कैन डील विद दिस सिचुएशन? टेम्परेचर हाई करेंगे तो हीट ट्रांसफर लॉस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वर्क परफेक्ट हो जाएगा, तो हाउ यू विल डील विद दिस सर? सर इंजन की हाँ उज्जवल आप बताइए, उज्जवल बताओ, उज्जवल हाँ सर, अगर रेडिएशन सर डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, अगर सर टेम्परेचर डिफरेंस सेम कर दे तो रेडिएशन कम नहीं किया जा सकता? हाँ कम किया जा सकता है, पर लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस को आप कम कैसे करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होने से क्या हो रहा है कि आपका वर्क आउटपुट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कार्नोट यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ पे है ना, कार्नोट ने बस एक्सप्लेन किया था
की एफिशिएंसी और वर्क आउटपुट दैट विल बी अफेक्टेड, या जो भी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है. सो व्हाट कैन बी डन अल्टरनेटिव. टेम्परेचर हम चाहते हैं कि कम रहे एवरेजली, एवरेजली टेम्परेचर ज्यादा ना हो, पर क्या करें इसके लिए. बताइए क्या सुझाव है. तो जैसे मान लीजिए कि आपको खाना खाना है, खाना खा के एनर्जी 100 जूल लेनी है. अब अगर आप मान लीजिए जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और कम खाएंगे तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी. तो व्हाट यू कैन डू, या स्थिति में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर. हाँ यस, हम सर थोड़ा थोड़ा करके कई बार वो कर सकते हैं. यस, इट इज अ वेरी गुड एंड इनोवेटिव आइडिया. अब इन्होंने एक आइडिया दिया है और ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम एक साथ फ्यूल डाल देते हैं, उस केस में क्या है कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी इंजन के, और ज्यादा हीट जनरेट करने का मतलब ये है कि हमें इंजन की कूलिंग बढ़ानी पड़ेगी. और अगर मान लीजिए आप फ्यूल की क्वांटिटी कम करते हैं तो कार्नोट के हिसाब से और दूसरे फॉर्मूला के हिसाब से हमारा वर्क आउटपुट कम हो जाता है. सो इनोवेटिव आइडिया एट दिस पॉइंट मे बी दैट डोंट इंजेक्ट ऑल द फ्यूल एट ए टाइम, जस्ट इंजेक्ट द फ्यूल इन पार्ट. इस फ्यूल को धीरे धीरे करके पार्ट में डालिए. दिस इज वन ऑफ द इनोवेटिव आइडिया और ये बिल्कुल सही है. और मैं आपको बताऊं कि जितना ज्यादा अच्छा गाड़ी है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें BMW का, तो BMW के कुछ इंजन ऐसे हैं जिसमें एक स्ट्रोक के अंदर फ्यूल 7 से 8 बार के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, एक बार में इंजेक्ट नहीं किया जाता सारा. तो वो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हीट है उसका जनरेशन का रेट, रेट ऑफ हीट जनरेशन दैट शुड बी लोअर. एक्चुअली में अगर आपने इंजन को थोड़ा समझ लिया होगा तो आप इसमें ये चीज समझ जाएंगे कि इंजन के अंदर हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए पावर जनरेट करने के लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए कि वो जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, जो कि हीट जनरेट हो रहा है, वो लंबे टाइम तक हीट जनरेट हो. क्योंकि तो जैसे हम कर्व को देखते हैं, इसमें अगर आपने जो कर्व भी देखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं पी थीटा डायग्राम. पी पी फॉर द प्रेशर, थीटा विल बी हेयर एंड पी विल बी हेयर. ये चाहे आप देख लीजिएगा, पी थीटा डायग्राम होता है ये. काफी जब भी आप जाएंगे ना, हमें पूछेंगे आप पी थीटा डायग्राम बनाइए, तो पी थीटा, थीटा मतलब क्रैंक एंगल. तो उसमें प्रेशर ऐसे जनरेट होता है, एक पॉइंट पे प्रेशर हाई होगा फिर कम हो जाएगा. तो आवर टारगेट एट दिस पॉइंट इज टू फ्लैटन दिस कर्व, के प्रेशर चाहे थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन ये लंबे टाइम तक ऐसे फ्लैट हो जाएगा. अगर ये फ्लैट कर्व हमें ऐसे मिलेगी तो अप टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी विल बी गेटिंग दी वर्क. तो वेरी गुड आइडिया, ठीक है, बिल्कुल सही है. अच्छा, कोई और एनी अदर इनोवेटिव आइडिया. क्योंकि अभी हमारा, मैंने आपको बता दिया भाई आपका, अगर हम इंजन को मान लीजिए कि हमारा हीट अगर ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो जो उसमें हम इंटर कूलिंग करेंगे, जो वाटर से या कोई भी जो इंटर कूलर होगा उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं क्या, जो हम एयर को या फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं अंदर, कि उसको हम अंदर जाकर के कंप्रेशन करके उसमें हम हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको बाहर ही थोड़ा बहुत हीट कर दें. हाँ, मतलब यू वांट टू से दैट कि आप एयर को प्रीहीट कर देंगे, है ना. यस सर. अच्छा, इसमें बताइए एयर को प्रीहीट करना इज इट ए गुड सॉल्यूशन और नॉट इस केस में. हालांकि अगर ये गैस टरबाइन होता है ना, तो गैस टरबाइन में हम या दूसरे केस में थोड़े के कुछ केसेस में एयर की प्रीहीटिंग को हम अच्छा कह सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको बता दूं ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है प्रीहीटिंग. पर लेकिन क्यों नहीं है, दैट इज ए पॉइंट व्हाई इट इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. पेशेंट बंसल कुछ कहना चाहते हो. नहीं, हाँ बोलो. यस सर. हाँ बताइए. यस सर, क्योंकि सर हॉट एयर में जो हमारी इफेक्टिव अमाउंट होगी ना सर ऑक्सीजन की, वो कोल्ड एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी सर. हाँ,
सर जैसे एक तो कोल्ड एयर है सर, वो ज्यादा डेंसर होगी सर, ठीक है, और हॉट एयर में अगर हम उस मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सर वेपराइजेशन के चांसेस है सर उसमें, तो कुछ पार्टिकल्स मतलब वेपराइज हो जाएंगे सर, तो इफेक्टिवली जो ऑक्सीजन हमारे पास कोल्ड में प्रेजेंट है वो हॉट में नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब हाँ अभिनंदन शायद पूछना चाहते हैं, नाम बताओ। सर हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है तो सर वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी इंजन में। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने सही पॉइंट पॉइंट किया यहाँ पे कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सर फ्यूल को हम प्रीहीट कर देंगे फिर। एक्चुअली फ्यूल को प्रीहीट करने से भी एक नुकसान यही है कि जब आप फ्यूल को प्रीहीट करते हैं तो फ्यूल फैल जाएगा, और जब फ्यूल फैलेगा तो वो क्या करेगा, वहां से एयर को रिप्लेस करेगा, क्योंकि आपने बेसिकली यहाँ पर जो गेम है गेम सारा वॉल्यूम के ऊपर है। ये मान लीजिए कि हमारे पास ये इनलेट मैनिफोल्ड है, दिस इज द इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड का मतलब ये वो ट्यूब है जहाँ से एयर आ रही है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आप फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर जो इंजन होगा वो इसके बाद होगा। ठीक है, इंजन है यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये इंजन है और यहाँ पे ये इनलेट मैनिफोल्ड है। अगर आपने मान लीजिए फ्यूल को प्री हीट करके यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा, फैलेगा तो वहाँ से एयर को रिप्लेस करेगा, और जब एयर को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, जो वॉल्यूम की प्रेजेंस है एयर की वॉल्यूम वो कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि फ्यूल ले लेगा। ठीक है, तो देयर विल बी लॉस ऑफ हीट। तो टेम्परेचर हाई करना भी ठीक नहीं है और फ्यूल को भी प्रीहीट करना ठीक नहीं है, और हीट को रिकवर भी नहीं कर सकते क्योंकि जो वाटर होता है वो बहुत लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर की हीट को रिकवर करना बड़ा महंगा पड़ता है, आपने कहीं भी देखा होगा लो टेम्परेचर की हीट रिकवरी कहीं पर भी नहीं की जाती, बिकॉज इट इज ए कॉस्टली अफेयर, अभी तक ये कॉस्टली अफेयर। तो हीट को मतलब हीट एक्सचेंजर यूज करके या कुछ और यूज करके उसको रिकवर भी नहीं कर सकते। सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं सर, जैसे इंजन की सर वॉल पे हम सर किसी मतलब ऐसी कोटिंग कर दे जो सर इंसुलेटिंग टाइप की हो और सर वो हीट को मतलब अंदर ही रखे, तो सर हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस जो हम कह रहे थे कि बाहर सराउंडिंग और इंटरनल में था वो नहीं रहेगा उतना, तो सर जो लॉसेस थे रेडिएशन लॉसेस जो हो रहे थे हमारे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह का मटेरियल इज नोन एज थर्मल बैरियर कोटिंग, टीबीसी। ठीक है, टीबीसी इसको हम बोलते हैं थर्मल बैरियर कोटिंग, और इस तरह का मतलब किया जाता है, ये गैस टरबाइन से ज्यादा इस्तेमाल होता है थर्मल बैरियर कोटिंग। जो पर्पज बता रहे हैं पर्पज सेम होता है कि जो ब्लेड्स होते हैं उनको भी हम हीट करना नहीं चाहते, तो अगर थर्मल बैरियर कोटिंग कर देंगे इनसाइड इंजन की तरफ तो उस समय पे क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफर है हीट है वो इंजन के अंदर नहीं जाएगा और आपकी कूलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए इनोवेटिव सोल्यूशन, आप इस तरह कर सकते हैं, पर इंजन में जनरली इसलिए नहीं करते क्योंकि थर्मल बैरियर कोटिंग महंगी पड़ती है, और जो पिस्टन रिंग उसके साथ रब ऑफ करेगा तो वो उसको घिस देगा, मतलब उसकी घिसाई हो जाएगी वहाँ पे थर्मल बैरियर कोटिंग की, क्योंकि ये थर्मल बैरियर कोटिंग अपने आप में काफ़ी महंगी होती है, तो जहाँ पे दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को रब ऑफ कर रही हैं तो वहाँ पे इस तरह का करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितना को ये लग रहा है कि जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसे जल्दी ही दूसरी टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देंगे, हाउ मैनी यू थिंक? ठीक है आशुतोष, को लग रहा है? हाँ यस, सब जनरल सर। दूसरी इन द सेंस सर फ्यूल चेंज या टेक्नोलॉजी चेंज? फ्यूल चेंज तो पॉसिबल है, फ्यूल चेंज भी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। टेक्नोलॉजी तो सर हो रही है सर चेंज, मतलब इलेक्ट्रिकल की तरफ हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चेंज हो रहे हैं। ओके, हाइब्रिड की तरफ चेंज हो रहे हैं, बात रिप्लेसमेंट की है, आपको क्या लग रहा है कि कब तक रिप्लेस हो जाएगा इंटरनल कंबस्टन? सर ये एकदम से तो नहीं होगा, ये ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे होगा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा। ओके सर, कम से कम 30-40 साल तो लगेंगे सर इसको अभी चेंज होने में सर, क्योंकि सर अभी सर हमारे जो
जितने मतलब हाई कमर्शियल व्हीकल है सर, उनमें सभी में सर ये मतलब हमारे इंजन यही यूज हो रहे हैं अभी तो। ठीक है, तो सर वहां से हटाना तो बड़ा मुश्किल है सर अभी इलेक्ट्रिक के सहारे सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक के सहारे इसको हटाना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल सही है सर। बस बात यह है कि हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको स्टोर करने के, अगर ये हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर लें कम स्पेस में, देन तो ये कुछ दिन मतलब हमको लगता है 10 से 15 ईयर में ये चीज़ हो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि रेलवे वगैरह की जो है कि उनको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उनकी बहुत ज़्यादा वो पावर मतलब आउटपुट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मतलब कि क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी में चाहिएगी बैटरी, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ बैटरी स्टोर बैटरी स्टोरेज के लिए बैटरी ही चाहिएगी, तो विच इज इजी, आइदर यू रिसाइकल द इंजन और यू रिसाइकल द बैटरी। Which is easier to recycle, battery or engine? सर इंजन को रिसाइकल करना ज्यादा आसान है। हाँ, और बैटरी को रिसाइकल नहीं कर सकते। हाँ सर, टॉक्सिक होती हो। टॉक्सिक होती है क्योंकि तो यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम। बैटरी को तो चेंज ही करना पड़ेगा सर फिर। चेंज तो करेंगे पर वो जो पुरानी बैटरी उनको खा रखी है। आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनो, जो पुरानी बैटरी है बैटरी तो आपने चेंज कर दी पर कहाँ रखेंगे पुरानी बैटरी? वो तो फिर वेस्टेज ही होगी ना सर। नहीं, वेस्टेज तो ठीक है पर लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उसको रिसाइकल करोगे, स्टोर करोगे, क्या करोगे सर, उसको करना ही पड़ेगा। सर अभी अभी तो सर जैसे हमारे जो इंजन ये इलेक्ट्रिकल हो गए और सर ये सोलर टाइप की एनर्जी होगी सर, ये अभी तो हमें अच्छी लग रही है सर, क्योंकि सर इनकी जो वेस्टेज है वो हमारे अभी कंट्रोल में क्या सर बहुत कम है सर, लेकिन सर जब हम हाई अमाउंट में इनका यूज करने लग जाएं सर तो इनका वेस्टेज का डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है सर। इनको जैसे सोलर प्लेट को डिस्पोज करना इतना मुश्किल हो जाता है सर, वो इतनी आसानी से डिस्पोज होती नहीं है, तो सर अभी तो लग रहा है कि अच्छा 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 आइडिया, लेकिन सर ये भी बहुत बड़ा परेशानी है सर इस चीज में, इसे उसकी टेक्निक की सर। बिल्कुल, हम ये जो जिसे अभी कम्प्लीटली सोच रहे हैं कि ये पोल्यूशन फ्री है, वो पोल्यूशन फ्री नहीं है, उसका लाइफ साइकिल एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वेदर इट इज कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री और नॉट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ठीक है, हम अपने टॉपिक से हट गए थे, दैट वाज वन और टू पॉइंट जनरल पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो अब यहाँ पे ठीक है, आपके कुछ इनोवेटिव आइडिया आए हैं, तो कोई और इनोवेटिव आइडिया के जो इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके, ये मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल जो इंटरनल कम्बशन इंजन है वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे, थोड़ा आपको आइडिया भी आ रहा होगा, पर लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा नई नई टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, तो वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर आएगी पढ़ने में, लेकिन पर क्योंकि मैं साथ वो बताता जा रहा हूँ आपने क्या करना है। ये पेज नंबर 23 था प्रीजनरेशन का, पेज नंबर 23 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, वी गणेशन की बुक का पेज नंबर 33 है, तो ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं ये पेज नंबर 23 से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 23 में सारे पॉइंट्स नहीं बताए गए होंगे, छोटे मोटे पॉइंट डाल दिए गए होंगे, पर लेकिन वी कैन नोट इट डाउन। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर आप और कुछ फिर को नहीं बताना चाहते, अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है, शुड आई गिव माई आइडिया? हाँ यस सर, अभी जैसे मतलब टर्बो चार्जर भी यूज करते हैं ना सर, एग्जॉस्ट गैसेस का यूज करके, वो भी उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। हाँ हाँ, तो ओवरऑल सर इससे भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। बट टर्बो चार्जर को डिस्कस किया भी था हमने एक दिन पहले, एक पुराना लेक्चर होगा उसमें आप देखेंगे, वी हैव डिस्कस्ड इट। तो अब मेन इंपॉर्टेंट आइडिया है, दैट इज हेटेरोजेनियस चार्ज। अब वो हेट्रोजीनियस चार्ज कम्बस्टन क्या है उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे ना गेम को समझिए कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा इंजन बड़ा करके ला रहा हूँ, हालांकि एक्चुअल इंजन से अभी छोटा है और लेकिन थोड़ा सा पेपर के हिसाब से मैंने इसको बड़ा कर। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, सपोज आई एम हैविंग दिस इज द स्पार्क प्लग,
spark plug and whole energy will be generated here. कि यहाँ पे spark generate होगी और spark generation से energy generate होगी. अच्छा अब हम क्या करते हैं इस ट्रैक इंजन में, what we do, we are having the air fuel. हम क्या करते हैं एयर और फ्यूल को मिक्स कर देते हैं और एयर फ्यूल मिक्स मतलब सब जगह पे एयर फ्यूल को मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद वो बर्न होगा. नाउ व्हाट आई प्रपोज कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं सारे के सारे जगह पे फ्यूल नहीं डालता. आई मेक सम कन्फाइंड स्पेस नियर दिस स्पार्क प्लग कि मैं स्पार्क प्लग के आस पास कुछ एक ऐसा स्पेस बना देता हूँ कि मैं फ्यूल को यहीं पर इंजेक्ट करूँगा. So fuel will come in this confined and it will be burned as a spark will go there. और जब ये वाला part burn हो जाएगा तो ये surrounding को radiation या दूसरी जो conduction convection है उससे ही transfer होता है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए जो air compress हो गई है, air compress होने के बाद मान लीजिए इसका temperature है 300 degree Celsius और यहाँ पर जो fuel combust हुआ इसका temperature मान लीजिए that was 200 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जब ये सारा मिक्स हो जाएगा एक दूसरे से तो इसका टेम्परेचर लगभग लगभग मान लीजिए आ जाएगा 1500. ठीक है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस जब ये सारा कम्बस्ट हो जाएगा मिक्स हो जाएगा तो मेरे लिए ये सफिशियंट है. 1500 डिग्री सेल्सियस पे जो मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी वो हमारे लिए सफिशियंट है और वो इंजन में वेल काम करेगी, बढ़िया काम करेगी. और अब क्या होगा कि पहले अगर मान लीजिए पूरे इंजन के अंदर ये टेम्परेचर मेंटेन करता फ्यूल डाल के तो उससे ही ट्रांसफर का जो लॉस था वो बढ़ जाता. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू इंजेक्ट फ्यूल इन अ कन्फाइंड स्पेस. लेसर अमाउंट ऑफ फ्यूल आई विल इंजेक्ट के मान लीजिए पहले जब मैं एयर फ्यूल मिक्स कर रहा था तो मैं 5 ग्राम फ्यूल इंजेक्ट कर रहा था. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ 2 ग्राम फ्यूल इंजेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ जो कम्बस्शन है वो सिर्फ इसी स्पेस के अंदर करना. अगर 2 ग्राम को मैं सब जगह फैला दूंगा तो 2 ग्राम फ्यूल से क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है दैट विल बिकम वेरी लीन. लीन का मतलब होता है कि जो एयर फ्यूल रेशियो है दैट विल बिकम हाई, एयर ज्यादा होगा फ्यूल कम होगा. ठीक है, तो इसका भी एक रेशियो होता है कि कितना लीन मिक्सचर आप बर्न कर सकते हैं. तो उसका भी मैं आपको चार्ट बता देता हूँ कहाँ पर दिया गया है. तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर एक मुझे निकाल लेता हूँ कि लीन मिक्सचर चार्ट जो है हमारे पास दैट इज गिवन इन दी इसमें एक लीन की लिमिट दी गई है कि कितना लीन मिक्सचर आप बर्न कर सकते हैं. अभी चार्ट मिल नहीं रहा. ठीक है, मैं आपको फिर निकाल कर रखूँगा कि कितना उसको लीन को बर्न कर सकते हैं साइकिल के थ्रू मिक्स. तो उससे ज़्यादा जो लीन मिक्सचर होगा उसको आप बर्न नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसका जो कम्बस्शन है वो नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फ्यूल को उसी जगह पे इंजेक्ट करूँ कि हम फ्यूल को गिरा. तो दिस इज द चार्ट विच यू कैन सी. यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए जो हमारे पास फ्यूल बहुत ज़्यादा टू रिच कि अगर बहुत ज़्यादा फ्यूल हो जाएगा 9:1 हो जाएगी रेशो, तब भी नहीं बर्न होगा. और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लीन हो जाएगा 19:1 चला जाएगा, एक्सेस हो जाएगी तब भी बर्न नहीं होगा. दोनों केस में ही वो बर्न नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये एक चार्ट है जो कि 191 पेज पे, तो आपको देखिए. तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आई विल डू हेयर, आई विल पुट ए इंजेक्टर इन प्लेस ऑफ कार्बोरेटर. अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैंने स्पार्क प्लग को लगाया और साथ में एक इंजेक्टर भी लगाया. सो आई विल पुट इंजेक्टर हियर. सो व्हाट दिस इंजेक्टर विल डू, दिस इंजेक्टर विल इंजेक्ट द फ्यूल सच दैट फ्यूल शुड अक्यूमुलेट नियर टू दिस स्पार्क. पर लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये ऐसा घुमा के फ्यूल को भेज देगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस और हाउ वी कैन अचीव दिस, वी कैन अचीव दिस
बाय चेंजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द पिस्टन। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन की ज्योमेट्री को कुछ ऐसा बना दीजिए, ये मान लीजिए पिस्टन का स्ट्रोक हेड है, तो पिस्टन की ज्योमेट्री को कुछ ऐसा बना दीजिए कि जब पिस्टन यहाँ पे होगा और फिर हम इंजेक्ट करेंगे तो अभी ज्योमेट्री की वजह से क्या होगा, ये जो ज्योमेट्री है पिस्टन, ये पूरा पिस्टन है यहाँ से यहाँ पे, दिस पिस्टन विल गिव इट ए न्यू डायरेक्शन और उससे क्या होगा, सारा का सारा जो फ्यूल है दैट विल कम नियर टू द स्पार्क प्लग, यहाँ पे फ्यूल रिच हो जाएगा, ये जो पिस्टन नीचे जाएगा यहाँ पे फ्यूल इकट्ठा हो गया, बाकी जगह पे एयर रह जाएगी, उसे हमें बर्न करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बर्न करने की जरूरत है वहाँ पर बर्न करते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज हेटरोजीनियसली चार्ज कम्बस्चन इंजन, और इससे जो एवरेज है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, एंड द इन्वेंटर फॉर दिस इज मित्सुबिशी। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। तो